छाता सब जग होरी ब्रज में होरा, गांव खारिया में मनाया गया रंग पंचमी का भव्य उत्सव। आपको बता दें कि होलियो एक त्योहार है पर ब्रज में महोत्सव है, ऐसा महोत्सव जिसमें लोगों के इष्ट आराध्य भी शामिल होते हैं। दुनिया में होली सिर्फ एक दिन मनाई जाती है लेकिन ब्रज में फाल्गुन आते ही हवा में अबीर गुलाल उड़ने लगते हैं। 40 दिनों तक चलने वाले ब्रज के होली महोत्सव का शंखनाद बसंत पंचमी से शुरू होता है और रंग पंचमी को खायरा में इसका समापन होता है। शुक्रवार को छाता तहसील के गांव खायरा में रंग पंचमी मेले पर होली महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। मेले का शुभारंभ सूबे के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने फीता काट कर संयुक्त रूप से किया। उन्होंने बताया कि होली पर्व का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है, सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर एकजुट होने का समय है। फूल डोल मेले में सर्वप्रथम घायल कमेटी की सवारी निकली जिसमें दर्जन भर से ज्यादा घायलों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके पश्चात श्रोबरी काली कमेटी, बाल काली कमेटी ने मां काली की खेलते हुए जीवंत सवारी एवं आधा सैकड़ों के करीब झांकियों जिनमें श्री राम मंदिर, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, रावण अंगद संवाद, भगवान परशुराम, ब्रज की होली और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अद्भुत झांकी निकाली और मोदी जी के भाषणों पर हरियाणा यूपी राजस्थान और अन्य प्रांतों से आए युवक युवतियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आज ऋषि सौबरी जी के वंशजों के 52 गाँव की राजधानी कहे जाने वाले गाँव खायरा में ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे राम राज्य आ गया हो। बाहर से आए हुए आगंतुकों व ब्रजवासियों ने रंग पंचमी के मेले का भरपूर आनंद लिया। ग्राम प्रधान कन्हैया लाल शर्मा ने सभी आगंतुकों का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया। संचालन मोहन श्याम मास्टर एवं ब्रजमोहन सहबिया ने किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, छाता चेयरमैन फाल्गुन सिंह, बॉबी प्रधान, समंदर सिंह, दिनेश प्रधान ब्रजवारी, पूर्व प्रधान पूरन पांडे, महेश शर्मा, राजू बादल, परशुराम भारद्वाज, सुनील पांडे, जिला पंचायत सदस्य शोभा राम पांडे जी के प्रतिनिधि राजा राम पांडे आदि उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंत्री जी बताया जो आज रंग पंचमी का मेला है लगाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? बसंत पंचमी से लेके होली और होरंगा हमारे ब्रज में प्रारंभ होते हैं। ये रंग पंचमी का मेला खायरा में आखिरी होता है। ये बहुत प्रसिद्ध रंग पंचमी का ये मेला है। ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण और राधा जब से होली खेले हैं तब से ब्रजभूमि की होली विश्व प्रसिद्ध हुई है। होली का अर्थ ब्रज और ब्रज का अर्थ प्रेम, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। आज हमारे क्षेत्र नहीं, यहाँ राजस्थान के और मथुरा ज़िले के, हरियाणा के सभी लोग यहाँ आते हैं रंग पंचमी का मेला देखने के लिए। बड़ी तादाद में अनेक प्रकार की सवारियाँ यहाँ निकाली जाती हैं और हजारों नातेदार रिश्तेदार मिलने वाले यहाँ रात्रि को भी मेला देखते हैं। ऐसा ये हमारा ब्रजभूमि का प्रसिद्ध मेला है। इस ब्रजभूमि के प्रसिद्ध मेले के अवसर पर मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, महर्षि शौभारी ऋषि से प्रार्थना करता हूँ, ये उनकी तपोस्थली है, सब सुख शांति और संपन्नता से रहें, यही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और मेरी ओर से समस्त ब्रजवासियों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बताएं जो आज आपके गांव में रंग पंचमी का मेला लगाया गया है क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि सभी को राम राम और राधे राधे। मेरे सभी ब्रजवासी और मेरे खायरावासी सभी आगंतुक लोगों को, बाहर से आए हुए महानुभावों को मैं अपनी तरफ से और अपनी ग्राम पंचायत खायरा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राधे राधे। अपने जी बताएं जो आपके गांव में रंग पंचमी का मेला लगाया जा रहा है क्या कहेंगे भैया? रंग पंचमी का मेला हर साल हमारे यहाँ पे होली के बाद में पंचमी को लगाया जाता है, जिसमें सभी हमारे 12 गाँव के लोग उपस्थित होते हैं, मैक्सिमम बाकी सारी बिरादियों के लोग आते हैं। आज इस मेले में हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी,
भाई निर्भय पांडे जी, भाई नरदेव चौधरी जी, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और रंग पंचमी के मेले को बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है और आगे भी हम मेले को ऐसे ही मनाते रहेंगे। और सब लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, आगे भी हम ऐसे मेले को बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।